नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। दीपावली के ठीक 15 दिन के बाद और कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। देव दीपावली के दिन काशी और गंगा घाटों पर विशेष उत्सवों के आयोजन किए जाते हैं और गंगा किनारे खूब दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। देव दीपावली मनाने को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी देवता भी स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं और दीपावली का पर्व मनाते हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर को है, लेकिन इस दिन चंद्र ग्रहण लगने के कारण इस बार देव दीपावली 7 नवंबर को मनाई जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली क्यों मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस ने अपने आतंक से धरती लोक पर मानवों और स्वर्ग लोक में सभी देवताओं को त्रस्त कर दिया था। सभी देवतागण त्रिपुरासुर से परेशान हो गए थे। सभी सहायता के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे और त्रिपुरासुर का अंत करने की प्रार्थना की। कथा के अनुसार भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के अंत के बाद उसके आतंक से मुक्ति मिलने पर सभी देवतागण प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वर्ग में दीप जलाए। इसके बाद सभी भोलेनाथ की नगरी काशी में पधारे और काशी में दीप प्रज्वलित कर देवताओं ने खुशी मनाई। इस घटना के बाद से ही कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन को देव दीपावली कहा जाने लगा और इस दिन काशी और गंगा घाटों में विशेष तौर पर देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन त्रिपुरासुर राक्षस का वध हुआ था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।